जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। प्यार एक अनमोल चीज है, जिसके जीवन में आ जाती है उसके रंग बदल जाते हैं। प्यार का स्वाद भी बहुत अलग है, जिसको लग जाता है उसके अंदर एक अलग ही इंसान पैदा हो जाता है। अच्छाई वास करने लगती है, दुनिया में दूसरों के दर्द महसूस होने लगते हैं। अपने आप, अपने अंदर आपको ईश्वर के होने का आभास होता है। आपका मन, आपकी आत्मा और ज़्यादा ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाती है। यूनिवर्स का अगर मैं सबसे अच्छा या सबसे प्यारा पॉजिटिव साइन बोलूँ ना, तो वो लव है। प्यार जिस किसी की भी जिंदगी में होता है उसे बहुत बल देता है। बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान ताकत रखता है किसी भी चीज़ से लड़ जाने की। देखिए ना, जिसने भी सच्चा प्यार किया है ना उसने दुनिया की फिक्र की है, ना समाज की, ना उसने अमीर देखा है ना गरीब, ना उसने ऊंचा देखा है ना नीचा। उसने तो बस प्यार की ताकत को समझाया और उसके लिए सब कुछ निछावर कर दिया है। ये बात अलग है कि समय के साथ प्यार के रंग बदल गए हैं, प्यार को समझने वाले या प्यार को निभाने वाले कम हो गए हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत चॉइस हैं, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। वो एक बहुत पहले मैंने कहीं पर किसी से सुना था, लोग ऐसा कहते थे, ग्रुप्स जैसे होते थे तो उसमें लोग बातें करते थे, तो उसके अंदर कहते थे, यार ट्रेन की तरह है, एक आती है एक जाती है, टेंशन मत लो। पर नहीं, प्यार ऐसा नहीं है। प्यार बहुत ताकतवर होता है। प्यार एक आपको सच्चा मिल जाए, पूरी दुनिया में, करोड़ों की भीड़ में, अरबों की, खरबों की भीड़ में, आपको सिर्फ एक वो इंसान मिल जाए जो आपसे सच्चा प्यार करता है, तो आप मान लीजिए कि आपसे ज़्यादा लकी इस दुनिया में कोई नहीं। किसी के सच्चे प्यार की ताकत आपके साथ होगी ना, तो आप दुनिया में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। आपके साथ कहीं ना कहीं ईश्वरीय ताकत रहती है। लोग प्यार करते हैं, एक दूसरे को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे को देखकर उनके अंदर एक दूसरे के होने की भावनाएं जागती हैं। समय के साथ धीरे धीरे कर कर ये अट्रैक्शन ख़त्म होता जाता है और फिर आप अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसे अनुभव करते हैं, ऐसे कड़वे अनुभव करते हैं जिनके कारण प्यार पर से भरोसा उठने लगता है। प्यार कमज़ोर कर देता है, आप हर वक्त डिप्रेस्ड रहते हैं, किसी को खोने का डर आपके अंदर आ जाता है। और ये डर एक ऐसी नकारात्मक शक्ति होता है जो किसी के अंदर अगर आकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी करने के काबिल नहीं रह जाता। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु का संबंध होता है इससे, और अगर राहु आपके सर पर बैठ गया तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में क्या हो गया। इस डर को दूर भगाने के लिए लोग नाना प्रकार के कार्य करते हैं, कुछ हद से ज़्यादा पूजा पाठ करने लगते हैं, कुछ बार बार अलग अलग लोगों के पास जाकर इस डर को भगाने का उपाय जानते रहते हैं, कुछ नशे के आदि हो जाते हैं, तो कुछ इस डर को दूर करने के लिए ना जाने किस किस हद तक गुजर जाते हैं और इतने ज़्यादा अंधविश्वासी हो जाते हैं कि उन्हें सही और गलत कुछ समझ नहीं आता। प्यार में डर कब उत्पन्न होता है? जब आप जिसके साथ हैं, आप जिससे प्यार करते हैं, उसे खोने का डर आ जाए, उसको, आपको छोड़कर किसी और के होने का डर आपको सताने लगे, या आपके और उसके बीच में कोई तीसरा आकर खड़ा हो जाए। कोई तीसरे का मतलब ये नहीं है कि उनका किसी से अफेयर हो गया या आपका किसी के साथ अट्रैक्शन हो गया। तीसरा कोई भी हो सकता है, उनके घर वाले, आपके घर वाले, उनके यार दोस्त, आपके यार दोस्त, उनके साथ काम करने वाले, आपके साथ काम करने वाले, मतलब आप दोनों के बीच में एक दीवार आकर खड़ी हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? मैं हमेशा कोशिश करती हूँ
कि सच्चे प्यार हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। प्यार के अंदर बहुत ताकत है, मैं फिर आपको यही बोल रही हूँ, इस ताकत को महसूस करके देखिए। ये वो ताकत है जो आपको ज़मीन से आसमान तक का सफ़र बहुत आराम से तय करा सकती है। एक और एक कहने के लिए दो होते हैं, लेकिन जब प्यार आपका आपके साथ हो ना, तो ये एक और एक एक करोड़ के बराबर हो जाता है। तो चलें बताएं आपको कि क्या और कैसे आपको अपने जीवन के प्यार की इस दीवार को तोड़ने के लिए कार्य करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। बात आपसे जब कर रही हूँ आज, आपके प्यार को आपसे मिलाने की और बीच में आ रही सारी रुकावटों को ख़त्म करने की, तो छोटा सा प्रयोग करना तो बनता है। ये प्रयोग आप मंगलवार के दिन से प्रारंभ करेंगे और लगातार 5 दिन करेंगे। आप अपने घर के पूरब में 2 दीपक प्रज्वलित करेंगे। एक दीपक के अंदर आप काले तिल डालेंगे और दूसरे दीपक के अंदर आप थोड़े से चावल डालेंगे। दोनों दीपकों की जो बत्ती है वो विपरीत रखेंगे आप, और उसके बाद आप वहाँ पर बैठकर गणेश अथर्वशीष का पाठ करेंगे। ये क्रिया आपको ठीक 5 दिन करनी है, और 5वें दिन आपको ये दीपक ले जाकर किसी पेड़ के नीचे छोड़ देना है, बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। याद रखिएगा, दीपक सेम होंगे और इनके अंदर जो रोज़ सामग्री बच जाएगी, यानी कि तिल और चावल जो बच जाएंगे, उन्हें आप एक साथ इकट्ठा करते रहेंगे और 5वें दिन उन्हें आप ले जाकर विसर्जित कर देंगे। अपने मन की मन मुराद बोल देंगे। अगर कोई आपके विवाह के लिए बीच में अड़चन पैदा कर रहा है, तो उनके लिए बोल देंगे कि वो मान जाए, वो तकलीफ़ ना करे और हमारा विवाह हो जाए। अगर आपकी शादी हो चुकी है और फिर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई दिक्कत कर रहा है, तो उनके लिए बोल देंगे कि वो हम दोनों के बीच से हट जाए और हमारे प्यार को किसी की नज़र ना लगे। दिक्कत समस्या क्या है वो आप देखिए। आपके बीच में जो भी दीवार बनकर खड़ा है, उसे तोड़ने का कार्य आप करिए, लेकिन ये प्रयोग ज़रूर करिए। और मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ ये जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था, और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।